आपने इतना तकल्लुफ किया, इसकी क्या जरूरत थी? अरे नहीं नहीं तकल्लुफ की इसमें क्या बात है, कुछ भी नहीं, आपने कुछ लिया ही नहीं हुआ। अहिरा बेटा वो कोमल को बताओ, आयो है बुलाओ। वो उसकी तबीयत जरा। अच्छा हाँ याद आया, रात से पता नहीं क्यों उसके सर में बहुत दर्द। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम साहब। बेटा कह रहा ना, ठीक हो तो? जी। बैठो बेटा बैठो बैठो। गोली गोली खाई? वैसे माशाल्लाह घर बहुत बड़ा है, ऊपर क्या किराएदार रहते हैं? किराएदार क्यों रहेंगे, हमें क्या जरूरत है किराएदारों की, सारा घर हमारा अपना है, ऊपर वाला भी। उधर सर ऊपर मेरी जेठानी रहती है अपने बच्चों के साथ। मेरे मियां को अल्लाह जिंदगी दे माशाल्लाह, इन्होंने खानदानी होने का हक अदा कर दिया। अपनी भाभी और अपने भतीजे भतीजी का इस तरह ख्याल रखा है कि मैं क्या बताऊं। 20 साल से बेवा है वो, यही रह रही है हमारे पास। अब क्या करें, बाकी चीजें तो यही रह जानी है, यही काम आनी है बस इंसानियत। कितनी अच्छी बात है, आजकल के जमाने में कौन किसी के लिए कुछ भी करता है। आप बड़े नेक काम कर रहे हैं। हाँ भाई, राज़िक तो बस अल्लाह की जात है। बेशक बेशक। देखा बेटा अहमद, घर तो घर ही होता है ना, लेकिन जो खानदानी रिवायतें होती है ना, उन्हीं से ना घर मुकम्मल होता है, खानदान मुकम्मल होता है। बिल्कुल। बेटा अहमद, मैं तो कह रही हूँ इस दफा इंग्लैंड का पासपोर्ट लेके ही आना। क्या रखा है इस मुल्क में, कुछ भी नहीं। इंशाल्लाह यही करेगा। मैं आपकी सीवी देख रहा था, आपकी तालीम कुछ और है, जॉब कुछ और है, ये ऐसा क्यों है? सही कह रहे हैं आप अंकल, पर वो मैं अपनी कंपनी में कोई एम्प्लॉय तो हूँ नहीं, एक्चुअली बिजनेस पार्टनर हूँ मैं, आई एम द सीईओ ऑफ द कंपनी। और जरूरी तो नहीं है जो पढ़ाई की जाए, आगे करियर उसी में प्रस्यू किया जाए। हमने जो पढ़ा है वही किया है। अरे छोड़िए ना, आपके जमाने की बात और थी हमारे की। अब ये बच्चे हैं, अब देखिए ये मेरा दामाद है माशाल्लाह, इतना इसे शौक है पढ़ने का, क्या कुछ नहीं पढ़ा इसने, लेकिन आज अपना कारोबार कर रहे हैं माशाल्लाह, ऐसा चमक रहा है, कामयाबी है, तरक्की है। ऐसे कहती हूँ, इस मुल्क में कुछ नहीं रखा, बेहतर होगा ये बच्चे बाहर जाएं, भाई कमाएं, भाई अपनी ज़िंदगी बनाएं, अब यहाँ क्या रह गया इनके लिए, है ना बेटा अहमद? यही तो मैं कहती हूँ। अरे आप कबाब तो लें, ये कबाब बहुत अच्छे, ये दाल के बोटी वाले कबाब है। बेटा अम्मी को भी दो निकाल के। हाँ ये समोसे भी बहुत अच्छे बनाती है, ये दो आपको एक। हाँ बेटा उनको बुला के लाओ, बोलो वेट कर रही हैं।